प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, जिसका हम लोग की थी इंतजार, वो घड़ी अब आ गई, अर्थात आपकी जो है काउंसलिंग। आज से आज आपकी नोटिस निकल के आ गई है और देखिए नोटिस में क्या क्या बताया गया कि काउंसलिंग कितने बजे से प्रारंभ होगी और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और काउंसलिंग के तुरंत बाद जो है आपकी जो सीट जो होगी जो आपको अलाउ की जाएगी इस गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेज में वो कब आएगी, उसके बाद फिर एडमिशन की प्रक्रिया कब से होगी और कब तक होगी, अर्थात डीबी कब होगी सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, सब जो है कि आपकी नोटिस में निकल के आ गए जैसा कि मैं आपको कल बताया था। आएंगे बिना देर के, आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर तैयार है सर, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पार्षद ऑफिशियल वेबसाइट है आपका, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। तो यहाँ पर सर हम लोग जानते हैं कि कोई भी नोटिस अगर निकल के आती है तो क्या करते हैं हम लोग, ये नोटिस बोर्ड आपका निकल कर है ऊपर लेटेस्ट अपडेट में आप देख पाएंगे, जब अपडेट लेटेस्ट अपडेट में आएंगे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे देखिए आपको निकल के दिखेगी सर, ऊपर दिखेगी यहां पर देख सकेंगे आप लोग तीसरे नंबर कॉलम में, यहां देख पाएंगे आप क्या देख पाएंगे सर, तो आपको पूरी तरीके से यहां दिख रहा होगा क्या कि इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ डीसीसी पीएम और पीएमएम। आ गई सर खुशखबरी आपकी, तो हो जाइए तैयार कि कैसे अब हम लोग आगे जो है ये काउंसलिंग करें, क्या सावधानी बरते, लेकिन कब से कितने बजे से होगी प्रारंभ, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या सावधानी बरतनी है, क्या दिक्कतें क्या कठिनाई आती है, क्या थोड़ी सी दिक्कतें अगर हो जाए या थोड़ी सी सावधानी अगर नहीं बरता जाए क्या गवर्नमेंट कॉलेज से हम लोग क्या वंचित हो जाएंगे क्या, या उससे वंचित ना हो तो उसके लिए काउंसलिंग कैसे किया जाए, सारा सारे रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहेंगे, तो बिना देर के आइए इसे देखते हैं सर। तो एक नोटिस है, दूसरा नोटिस नीचे देख पाएंगे आप लोग, डिटेल्स ऑफ रिगार्डिंग एंड चॉइस फिलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ डीसीसी पीएम एंड पीएमएम 2023, ये दो को नोटिस निकल कर आपका आया हुआ है। पहले नोटिस में क्या है वो जानकारी दी गई है कि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कब से होगी, और दूसरे नोटिस में ये दी गई है कि दूसरे नोटिस में कि आपकी कितने बजे से काउंसलिंग प्रारंभ होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, और साथ में सर जब डीबी के लिए आप जाएंगे काउंसलिंग के बाद तो डीबी में क्या क्या लगेगी, अर्थात कब से आपकी डीबी पर अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से प्रारंभ होगी और कब तक चलेगी, और गवर्नमेंट कॉलेज कैसे हम लोग को मिलेगी, वो सारे इस नोटिस से हम लोग समझ पाएंगे। आइए बिना देर की हम लोग चलते हैं उस नोटिस को ओपन करते हैं, तो ध्यान देंगे हम लोग, तो आएंगे सर ये वाला नोटिस को करते हैं सर हम लोग ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे ये नोटिस आपका डाउनलोड होना प्रारंभ हो गया, आप लोग बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे सर अभी हम लोग की सर काउंसलिंग नहीं हो रही है नहीं हो रही है नहीं हो रही है, अब फाइनली जो है आपके बोर्ड काउंसलिंग डेट निकाल दी। आइए सर ये नोटिस आपका निकल के आ गई, इस नोटिस को समझते हैं बारीकी पूर्वक। तो नोटिस में जो जानकारी लेनी है सर वो देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पर, यहाँ से समझ पाएंगे इस नोटिस को चीज़ों को, लेकिन देखेंगे जरा सा। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है सर वो क्या जानते हैं क्या सर, कि यहाँ पर देखेंगे जरा सा कि इंटरनेट देखेंगे जरा सा कि इंटरनेट व्यवधान के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि काउंसलिंग का जो डेट जो दी गई है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसी के बीच में जल्दी से काउंसलिंग आपकी हो जानी चाहिए, अन्यथा फिर ये क्या होगी आपकी वेबसाइट जो होती है ओपन नहीं होने लगती है, वेबसाइट आपकी कार्य करने अच्छे से नहीं लगती है, जिस कारण आप लोग जो है काउंसलिंग से वंचित ना रह जाए, इसलिए समय से पूर्व जो है अपना काउंसलिंग कर लेंगे। अब आइए बात करते हैं सर काउंसलिंग जो है सर कब से चलेगी और कब तक चलेगी, किस प्रकार की नोटिस निकल के आई है उस पर चर्चा करते हैं हम लोग बात। ध्यान देंगे अच्छे समझने का प्रयत्न करेंगे आप लोग। देखेंगे जैसा कि राउंड वन की बात चल रही है सर, किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वह राउंड टू के लिए इंतजार करेंगे, अर्थात सेकेंड सीट अलॉटमेंट के लिए इंतजार करेंगे, तो छोटी सी बात है लेकिन उस पर बात अभी हम लोग को नहीं देनी है, ध्यान देनी है कि शेड्यूल किस प्रकार के निकाल कर लाया है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपके बोर्ड के द्वारा जो आपके एग्जाम कंडक्ट करती है जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो आपका टाइम शेड्यूल निकल के आया है, इस टाइम शेड्यूल के बीच में सारा कार्य होना है तो किस प्रकार से होना आइए उस पर थोड़ा बात कर ले हम लोग। पहली चीज है सर कि सीट मैट्रिक्स जो पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, जो वेबसाइट पर सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दी गई थी हम लोग को पता है सर वो कल ही कर दी गई थी, यह चीज आपको जानकारी है, ध्यान देंगे। उसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, ये जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे अर्थात चॉइस फिलिंग जो करेंगे या काउंसलिंग जो आपकी प्रारंभ होगी वो कब से होगी सर, 28 तारीख यानी कि कल से ये प्रारंभ आपकी हो जाएगी, और आज ये नोटिस आपको 27 तारीख को निकल कर आया है।
आगे सर, आगे क्या है सर कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग सीट, तो आप लोग काउंसलिंग तो करेंगे उसमें सीट लॉकिंग का ऑप्शन भी आता है, वो लॉकिंग और साथ में जो अंतिम डेट है आपका काउंसलिंग करने की वो कौन सा कितना डेट है सर, 4 तारीख तक डेट है सर। इसका अर्थ कितने दिन का समय है सर, तो प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी आपको 5 से 6 दिन का समय दी जाती है, इस बार भी आपको 5 दिन का समय है, चूंकि तीसरा महीना लगना है सर, 28, 29, 30 फिर क्या सर 1, 2, 3 मतलब लगभग आपके पास 6 से 7 दिन का समय है अगर ओवरऑल हम लोग को द्वारा देखा जाए तो 5 से 7 दिन का समय आपके पास रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास लगभग 7 दिन का समय है। अब ध्यान देंगे एक चीज और जैसा देखेंगे आप लोग कि इसी नोटिस को अभी मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा, इसी नोटिस को मैंने 12वीं से देखा, उसमें क्या बताया गया है कि आप लोग अगर फर्स्ट वाले काउंसलिंग जो आपकी कल से प्रारंभ हो रही है अगर वो काउंसलिंग नहीं करेंगे ना तो सेकेंड राउंड के लिए भी आप लोग जो है उसके लिए वंचित रह जाएगा सर, उसके लिए भी आप पर्याप्त नहीं है अर्थात उसमें आप भाग नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस काउंसलिंग में भाग आपको लेना ही लेना है सर। नहीं तो ये हो गई सर आपकी, ये हो गई सर। उसके बाद सर ये उसके बाद क्या होगा, जो राउंड वन जो था जो आपकी डेट कल से प्रारंभ है और अंतिम डेट कितना है सर 4 तारीख तक जो डेट है, सॉरी 28 तारीख तक जो डेट है आपकी, जस्ट सेकेंड, 4 तारीख तक जो आपकी डेट है ये डेट का वो 28 से प्रारंभ यानी कि कल से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ, 4 तारीख तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद देखेंगे कि आपको 8 तारीख से क्या होगी सर, ये आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी, कितने तारीख को, 8 तारीख को रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी, कौन सा कॉलेज आपको मिला फर्स्ट राउंड में या कौन सा कॉलेज नहीं मिला आपको, ये आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद बस उसी 8 तारीख से आप लोग हम देख सकेंगे आप लोग डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर, अलॉटमेंट और जो अलॉट आपको दिया गया कॉलेज उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कितने, बस उसी 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, बस 8 तारीख से लेकर लगातार 14 तारीख तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास समय है, उसके बाद डाउनलोड नहीं होगी। और सर उसके बाद सर डीवी मतलब क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट दिया गया है सर, चूंकि 8 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 9 से प्रारंभ होगी, कब तक चलेगी, 14 तारीख तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी, 9 तारीख 10 तारीख 11 12 13 और कितना 14 मतलब 6 दिन का समय है आपका डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जब इन साइडों का एडमिशन हो जाएगी तब आएगी किसका सर, वो आएगी सर राउंड टू का अर्थ क्या हुआ सर, राउंड टू का अर्थ हुआ कि अब आ जाएगी सेकेंड राउंड वाले का, नहीं तो सेकेंड राउंड वाले का जो पब्लिश्ड डेट होगी सर वो कितने तारीख को होगी सर, 21 तारीख को, याद रखिएगा 21 तारीख को क्या होगी सर, वो आएगी सर राउंड टू वाले का सेकेंड राउंड, क्या होगी ये सेकेंड राउंड नहीं चलेंगे, जब आगे चलेंगे हम लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी सर सेकेंड राउंड का, तो वो कब से प्रारंभ हो जाएगी आपकी, क्योंकि जब ये सीट पब्लिश कर दी जाएगी उसी दिन से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्या हो जाती है प्रारंभ, आपके इस नोटिस के अनुसार था 21 तारीख से प्रारंभ होगी, 1 तारीख तक आपका ये चलने वाली है। और अंतिम में देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो एडमिशन आपकी होने वाली है राउंड टू का वो कब तक चलेगी सर, वो चलेगी सर 1 तारीख तक, मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही नहीं, तो ये आपकी नोटिस निकल के आई है। तो कुल मिला के सर बात किया है, नहीं कुल मिला के बात किया है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, तो कुल मिला के बात यह है, ध्यान देंगे जरा सा, कुल मिला के बात क्या है उस चीज को ध्यान दीजिएगा जरा सा, 1 सेकेंड का समय देंगे हमको, चलेंगे आइएगा समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रयास ये करनी है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो आपकी काउंसलिंग कल से ही प्रारंभ मतलब 28 तारीख से आपका काउंसलिंग प्रारंभ कब तक चलने वाली है सर, तो बताया मैं आपको 4 तारीख तक आपकी चलने वाली है, 28 से कब तक चलेगी 4 तारीख तक, इसमें सारे स्टूडेंट क्या करेंगे भाग लेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि कल से अगर प्रारंभ हो रहा है तो कल का कल ही हो जाए या कल ना हो तो परसों हो जाए सर, नहीं परसों हो जाए सर, और या नहीं तो सर जल्दी कर लेंगे, मतलब कि ये नहीं कि 4 तारीख को करेंगे अंतिम दिन ना करेंगे, अंतिम दिन में होता क्या है कि आपकी वेबसाइट कार्य करना बंद कर देती है, तो जल्दी से करेंगे। आज थोड़ा सा बात किस पर हम लोग कर ले, थोड़ा सा बात महत्वपूर्ण बात है सर उन चीज़ों को लेकर है कि यहाँ पे जो है ना स्मार्ट गुरुकुल जो आपका कोचिंग संस्थान है, स्मार्ट गुरुकुल जो आपका कोचिंग संस्थान है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है कि काउंसलिंग के लिए, किसके लिए, काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए क्या किया है कि और रजिस्ट्रेशन करवाया कि मुझे काउंसलिंग कहाँ से कराना है सर, वो स्मार्ट गुरुकुल से ही काउंसलिंग हमको करानी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो लोग कॉल करके परेशान नहीं करेंगे, वो कल से क्या होगी आप लोगों को कॉल जाना क्या हो जाएगी प्रारंभ हो जाएगी, ये खुद कॉल कर लेंगे आपको, ठीक है ऑफिस नंबर से आपको कॉल जाएगी और 12 सबका काउंसलिंग हो जाएगी। अब समझिए जो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसके लिए, बाकी जो नहीं करवाए हैं तो ऑफिस नंबर से एक बार कॉन्टैक्ट कर लेंगे और जानकारी ले लेंगे कि सर काउंसलिंग में क्या क्या बाधा होती है, क्या क्या
सावधानी बरतनी पड़ती है सर, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या कठिनाई आती है, कैसे इसे बचा जाए। होता क्या कि जो अन्य जगह आप लोग काउंसलिंग कराते हैं तो वहाँ पर जानकारी कैफे वाले को अच्छे से नहीं होती, जिस वजह से क्या होती है दिक्कतें, कठिनाई से जूझना आप लोगों को पड़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाती है, फिर रोते हैं। इसलिए हम लोग अर्थात आपके स्मार्ट गुरुकुल क्या करता है कि यहाँ पर जो है इस यहाँ पर पैनल अर्थात यहाँ पर जो है आपके कोचिंग संस्थान में अनुभवशील शिक्षक भी रहते हैं और दिशा निर्देश देने के लिए जो है आपके विभिन्न कॉलेजों से लोग आते हैं, शिक्षक आते हैं, उनके दिशा निर्देश में आपकी काउंसलिंग होती है ताकि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए कम से कम कॉल तो एक बार कर लेनी है, जानकारी आपको ले लेनी है। तो कल से काउंसलिंग पर हम कॉल मैसेज नहीं करनी है, जितने भी काउंसलिंग कराए यहाँ से कराना चाह रहे हैं या कराने के लिए यहाँ से लोगों ने क्या कर दिया है, रजिस्ट्रेशन करा दिया, उनका काउंसलिंग कल से प्रारंभ हो जाए, चिंता परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो स्टूडेंट यहाँ के नए हैं सर, जो काउंसलिंग हमें बताने बता दिया, आपको सूचना दे दिया, जो सूचना के लिए इंतजार करते हैं सर स्मार्ट गुरुकुल का, इसलिए मैं सूचना अगर आपको दे दिया, आप लोग जल्दी से काउंसलिंग करेंगे, ऐसा ना हो कि अंतिम समय में आए और काउंसलिंग ही आपका ना हो पाए, अर्थात क्या हो कि आपकी वेबसाइट ही काम करना बंद कर दे अंतिम चरण सीमा पर, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दे दी गई है। इसलिए समय से पहले क्या करें, आप लोग काउंसलिंग कर ले। मैं दीपक ले रहा हूँ वर्तमान समय में विदा, आप लोग काउंसलिंग सावधानी पूर्वक करेंगे, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके लिए आप ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, बात कर लेंगे, उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो काउंसलिंग करानी है, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं। ले रहा हूँ मैं वर्तमान समय विदा, अपना आप ख्याल रखेंगे और काउंसलिंग सावधानी पूर्वक करेंगे। धन्यवाद।